अब विजेंद्र सिंह कूच कर चुके हैं यूके की तरफ, एमेच्योर बॉक्सिंग छोड़कर प्रो बन चुके हैं विजेंद्र सिंह। एक लैंडमार्क डील साइन कर ली है आपने, हाँ, क्या कारण रहा भारत से यूके का सफ़र तय करने के लिए? जी, इंडिया में बहुत गर्मी थी अभी इस टाइम तो मैं तब से कूच किया था, मैं लंदन पहुँच गया हूँ अभी। बट मैं बताऊँ, मैं ट्रेनिंग के लिए आया था यहाँ पे यूके में, और मेरी एमेच्योर जो अपकमिंग टूर्नामेंट है उनके लिए आया था। और जब मैं ली से मिला, जब मैंने इनकी ट्रेनिंग देखी और जब मैं देखा कि लाइक प्रो बॉक्सर कैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि लाइक यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कि लाइक हाँ व्हाई नॉट। सो देन आई मेट फ्रांसिस एंड आई सीन द होल थिंग कि लाइक हाँ मैं प्रो बॉक्सर बन सकता हूँ, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक प्रो बॉक्सर बनूँगा। तो मतलब कहीं दिल में असमंजस था कि भाई भारत छोड़ रहे हैं, अब कोई भारत के लिए नहीं आप लड़ सकते एट दैट लेवल? एंड जी, भारत में कहाँ छोड़ रहा हूँ आप बताइए भाई, बिकॉज ये मेरे नाम के पीछे विजेंद्र सिंह ग्रेट ब्रिटेन नहीं लगाएंगे, विजेंद्र सिंह फ्रॉम इंडिया ही लिखा जाएगा, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, लाइक आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। बिकॉज लीग तो दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर भी करते हैं, लाइक क्रिकेटर भी करते हैं और हॉकी प्लेयर भी करते हैं, गोल्फ भी ऐसा ही है। बट हमारी बॉक्सिंग में ये रूल नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनल खेल सकते हैं तो आप एमेच्योर नहीं खेल सकते। तो ये अगर ऐसा होता तो मैं दोबारा जाके एमेच्योर खेल लेता, तो ऐसा रूल हमारे पास है नहीं। इसलिए मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था पहले भी, और अब भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा जहाँ जो वर्ल्ड टाइटल के लिए फ़ाइट होंगी। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि लाइक कुछ चेंज होगा, बिकॉज मैं विजेंद्र सिंह पहले भी था, विजेंद्र सिंह अब भी हूँ, और मैं पहले भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, पहले भी मेरे गाँव को रिप्रेजेंट करता था, पहले भी मेरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता था, अब भी करता हूँ। तो क्या आपका रिएक्शन रहा है बाकी लोगों की तरफ से जब आपने ये निर्णय लिया? दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज ऐसी चीज़ अभी तक इंडिया में किसी ने ट्राई नहीं की है, कोशिश नहीं की, बिकॉज हमारी इंडियन की यही प्रॉब्लम होती है, नहीं यार पता नहीं क्या होगा, थोड़ा हम डर जाते हैं। तो लेकिन मैं चाहता हूँ जो अपकमिंग जो बॉक्सर हैं, जो यंगस्टर हैं, जो आएंगे, जो परफॉर्म करेंगे, बिकॉज इंडियन टीम होती है जो ओलंपिक्स की, उसमें सिर्फ 10 या 12 लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो एमेच्योर जाते हैं, लेकिन बाकी बॉक्सरों का क्या होता है? तो कईयों का करियर ख़राब हो जाता है, कईयों के पास कुछ करने के लिए होता नहीं, बिकॉज हमारे पास ना कोई बॉक्सिंग लीग है, ना कोई बॉक्सिंग से कुछ और है, तो वो एक प्रो टर्न कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो उनके लिए मैंने रास्ता खोला है। तो अगर आपके पास एमेच्योर में आप अच्छा करियर नहीं बना सकते, तो आप प्रोफेशनल बॉक्सर ज्वाइन कीजिए, ताकि वो अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो ये एक और एवेन्यू है अगर एमेच्योर। आपको क्या लगता है कि भारत में क्रिकेट और बाकी चीज़ें तो बहुत देखी जाती हैं, बॉक्सिंग को आप फोरफ्रंट में लाए हैं, मैरी कॉम फोरफ्रंट में लाई हैं, क्या इस फील्ड में इतना हो रहा है कि बॉक्सर्स आगे आ पाएँ, उन्हें फैसिलिटीज़ हैं? जी, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, और साई जो इंडिया है वो बहुत अच्छा कर रही है। पर अगर आप जीते हैं तो, अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए 5 करोड़ का इनाम भी है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है अभी, जो अपकमिंग जो भी ओलंपिक्स में मेडल लेके आएगा। लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो आपके लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। तो कहते हैं चढ़ते सूरज को हरे कोई सलाम करता है, और आई थिंक वही बात है। लेकिन आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो आप प्रो बॉक्सर बन सकते हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है उसमें, थोड़ी सी टेक्निक चेंज होती हैं, जो कि आई थिंक जो आपका कोच या ट्रेनर है वो सिखा सकता है। और मैं मानता हूँ कि फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, साई अच्छा काम कर रहा है अभी तक। जी हाँ। तो जब आपने यहाँ निर्णय लिया रहने का, तो अब तो आप मैनचेस्टर में रहेंगे, क्या आपका रूटीन होगा, कि कैसी ज़िंदगी बदलने वाली है आपकी? हाउ हैज़ इट चेंज्ड योर लाइफ? आई थिंक ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, दैट्स इट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जो बिकॉज प्रो बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत एक फोकस और एक जस्ट काम रहने की बहुत ज़रूरत है उसमें, और वही मेरे को करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, दैट्स इट। तो परिवार वाले भी यहाँ आके रहेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं रह सकते, बिकॉज उनके लिए कोई इलीगल नहीं है यहाँ पे रहना, वो भी आके रह सकते हैं मेरे साथ। तो मैनचेस्टर तो एक बहुत ही अलग तरीके की जगह। पहले हम बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग की, सो किस तरह की ट्रेनिंग है और कितनी सख्त है? जी, मैंने एक कितनी फ़र्क भी है आपकी अभी तक की ट्रेनिंग? मैं इनके साथ एक हफ्ता था मैं इनके साथ, और ट्रेनिंग है और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मैं मान सकता हूँ कि हमारी चेंज है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये तो बॉक्सिंग है, मारना उसको भी मार खाना है, तो इट्स द सेम थिंग। बट कई टेक्निक्स हैं जो कि प्रो और एमेच्योर बॉक्सर को डिफरेंट करती हैं, तो वो मैं सीख जाऊँगा धीरे धीरे, बिकॉज जो मेरा इनसे बात हुई, कोचिज से बात हुई, तब इन्होंने इसके बारे में बताया था मेरे को।
आप एक तरह से जब हम इस तरह के प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसते हैं तो प्रॉपर्टी बन जाते हैं, है ना? आपको ऐसा महसूस हुआ? क्या जिंदगी में बदलाव आया है आपकी? नहीं, प्रॉपर्टी किस लहजे में? किस आपको एक आप डील साइंस होती हैं या इट्स ऑल अबाउट बॉक्सिंग लाइक एमेच्योर बॉक्सिंग में हमारा वही काम होता है कि हम जब हम ट्रेनिंग कैंप में होते हैं तो हम कैंप में जाते हैं, हम एंट्री देते हैं, वहाँ के हम एंट्री पहुँच गए यहाँ पे, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कंपटीशन खत्म हो गया, बाहर चले जाते हैं। दैट्स द सेम थिंग, मैं ट्रेनिंग करूँगा यूके में, फाइट करूँगा, उसके बाद बैक टू होम, उसके बाद सेम थिंग, फाइट करूँगा बैक टू होम, दैट्स द सेम थिंग। तो ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर्टी या कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। वॉट कितने घंटे की ट्रेनिंग है कुछ बताएं हमें, कुछ बताया गया है आपको अभी? जी, मैंने जो लास्ट वीक की थी वो तो 9 to 4 तक चलती थी, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, बिटवीन द लाइक एक या डेढ़ घंटा रेस्ट होता था, उसमें हम मील खा लेते थे, जो भी लंच था होता था उसमें। और खाने और न्यूट्रिशन वो सब का सब कुछ अलग है? या वो टेक केयर ऑफ विद द क्वीन बेरी प्रमोशन और लाइफ फ्रांसिस का काम है वो। अच्छा, मुझे बताइए कि आप बिल्कुल चेंज ऑफ सिनेरियो है, आप भारत से अब आके यहाँ पर रहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर रहकर लोगों से मिलकर, बिल्कुल सब कुछ फ़र्क भाषा तक? जी, पहले तो ये एसेंट वाली जो इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ा सा कई बार समझ में नहीं आती, बट व्हेन आई टेल देम लाइक स्पीक स्लोली देन आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो इट्स टेक टाइम टू लर्न लाइक हाउ दे टॉक, हाउ दे बिहेव, लाइक सो मेनी थिंग्स, बट आई कैन लर्न, आई नो दैट। मैनचेस्टर एक्सेंट आ जाएगा आपको? हाँ, फिर तो मैं अभी स्लैंग मार के बोलूँगा। अच्छा, सो व्हाट इज इट दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? For world title, I can say that right now, because I'm not dreaming about like big things right now, because I want to go like slowly, like 4 rounder, 6 rounder, 8 rounder, so I want to move like slowly. कुछ खास लोग हैं जिनसे आप लड़ना, मैं जैसे आमिर खान अगर आपके साथ? मैं कोई चाकू छुरी के साथ लड़ना नहीं चाहता। सॉरी, तो मैं बॉक्सिंग, बल्कि जो दूसरे जिस बॉक्सर का नाम लिया है वो मेरे वेट के नहीं है, उनका वेट कैटेगरी थोड़ा डिफरेंट है, मेरा अलग है। तो जो मेरे बॉक्सर जब भी जो लिस्ट कार्ड जो बनेगा अभी, आई डोंट थिंक सो, अभी मेरा नाम आया किसी बॉक्सर का, तो कोई भी हो सकता है वो। आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और क्या कहीं बटरफ्लाइज, आर यू देयर बटरफ्लाइज इन योर टमी, की क्या टेंशन, एंग्जायटी? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, बिकॉज आई एम एक्साइटेड, बिकॉज आई नो कि इट्स गोना बी change my life, you know, it's gonna be like new things happening in my life right now, because I'm in UK, I just train in UK right now, and I will be like after some time dobara main fir aaunga training karunga, to aisa kuch nahi ki like regarding to boxing ki like oh my god aisa hoga, to yeah I'm excited, I can say that. To Bollywood ke darwaze abhi band hai? हाँ, अभी पहले मैं डेब्यू कर लूँ एक बार प्रो बॉक्सिंग में, तो उसके बाद तो एक्टिंग तो मैं कर ही सकता हूँ। कभी भी कर सकता। अभी मुझे बताया गया कि एक हफ्ते पहले ही आपका ये सब फाइनलाइज हुआ, तो कैसे इतनी जल्दी और क्यों आपने क्वींसबरी को चुना? बिकॉज क्वींसबरी का एक उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, और बिकॉज मैं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यू ईजिली फाइंड कि लाइक कौन फ्रांसिस वॉरन है, कौन क्वींसबरी है, तो आई थिंक उनके पास एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जिनका जिन्होंने बॉक्सर्स के साथ काम किया है, और दे हैव एक्सपीरियंस गाय, और ली का अगर आप देखें तो इज़ ए गुड ट्रेनर, इसने बहुत सारे इंटरनेशनल बॉक्सर के साथ काम किया है, और दैट्स द ओनली रीजन कि मैं इनके साथ अभी मैं ट्रेनिंग करूँगा। आप अपने भारत के व्यूअर्स को और अपने सारे फैंस को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ फील फ्री टू से टू देम नाउ। ओके, बिकॉज मैं पहले एमेच्योर बॉक्सर था और अभी प्रो बॉक्सर हो गया, लेकिन बॉक्सर मैं अभी हूँ, तो नथिंग चेंज, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, अब भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा, और ये मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर है, तो प्लीज़ मेरे लिए विशेष भेजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, थैंक यू सो मच। जस्ट द लास्ट बिट, हैव यू हैड पीपल, क्या लोग आपको नेगेटिवली भी देख रहे हैं कुछ, और क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा होता है जब? कुछ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने भी मालूम होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, तो कोई लोग अच्छा ही बोलते हैं, कई बुरा ही बोलते हैं, तो वो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा काम है, आई एम फोकस कि मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और कहते हैं एक अच्छी बात का कहते पहले उसको लोग विरोध करते हैं, लाइक उसको दे आर सेइंग नो दैट्स अ बैड थिंग ये वो ब्ला, लेकिन बाद में उसको अपना लेते हैं कि हाँ यार ही इज़ राइट। तो इट्स टेक टाइम टू टू
इनटू दैट जोन कि लाइक उनको टाइम लगेगा समझने में कि विजेंद्र सिंह ने वाकई अच्छा काम किया है. क्यों किया आखिरी बस वो कहते हैं क्योंकि तो लड़ाई होती है कि लाइक यू नो क्योंकि तो फाइट होती है भाई वो दैट्स माय विश मैम तो बट क्यों इसलिए क्या कि बिकॉज मैं एमेचर बहुत साल से कर चुका हूँ. मैं 15-16 साल है मैंने जितने भी वर्ल्ड के जो बेस्ट टूर्नामेंट थे सब में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ. मैं सब में खेल चुका हूँ सब में मेडल ला चुका हूँ. तो लेकिन एक प्रो में अभी तक कोई ऐसा बॉक्सर नहीं था जिसने अच्छा किया हो इंडिया के लिए. तो मैं चाहता हूँ कि जो अपकमिंग बॉक्सर हैं जो नए बॉक्सर हैं उनके लिए एक नया दरवाज़ा खुले उनके लिए एक राह बने कि वो यहाँ आके अपना प्रो बॉक्सिंग का करियर भी बना सकते हैं. इसलिए मैंने ये एक कदम उठाया और मैंने बताया कि हाँ इसके लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए और ऑफ कोर्स इंडिया से मेरे को सपोर्ट मिलेगा इसी के लिए. आपका वी नाम मिल गया ऑलरेडी आपको? जी हाँ वी बोलते हैं मेरे को. मैं कहे जब मेरे को नया नया वी वी बोलते थे तो मैं समझ नहीं पाता दिन से कि ए वी जू वी जू मैं क्या कहूँ. तो वी इज लाइक निक नेम फॉर मी हियर. हाँ जी हाँ जी करना पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट लाइक गिल्ली डंडा और समथिंग लाइक दैट तो मारना तो पड़ता है इसमें. वो बचपन में भाई बहनों के साथ आई थिंक बहुत खेला मैंने. माँ बाप जब बचपन में हम लोग बोलते ना बच्चों को नहीं ये क्या कर रहे हो और देखो मार मार के आपने बॉक्सिंग चैंपियन बन के मेरे गांव से लेके यूके पहुंच गया हूं. थैंक यू वेरी मच विजेंद्र. और आप ये वी फॉर विजेंद्र बिकम्स वी फॉर विक्ट्री. यस वी फॉर विजेंद्र बिकम्स वी फॉर विक्ट्री इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर विजेंद्र सिंह हु सेज दैट ही हैज नॉट रियली लेफ्ट इंडिया. ही इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग इंडिया. ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज टू गेट बॉक्सिंग ऑन एन इंडिया एन इंडियन बॉक्सिंग on the global map. Loveena Tandon for India Today from London.